बहुत 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 अच्छा था इन सबको हमने लाइव देखा गाते हुए और आई फील लाइक कि इंडियन आइडल जूनियर इंडिया में है, सीज़न 2 है. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. हम इंडिया को दिखा रहे हैं कि टैलेंट का कोई एज बाउंड्री नहीं होता. कोई 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा कैसे गा सकता है, क्या टैलेंट है उनमें. मैं एक्चुअली बहुत पर्सनली मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो पे आई वरुण के साथ. टू सी दिस अपनी आँखों से देखकर बहुत अच्छा लगा. क्या हरकतें लेते हैं ये बच्चे, क्या गाते हैं. आई मीन जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट. यू नो ऑनेस्टली मैं जब मेरी फिल्म जब रिलीज़ होने को आती है, मैं प्रमोशन में चला जाता हूँ, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस हो जाता हूँ कि क्या करना चाहिए, व्हाट डज द ऑडियंस वांट. बट टुडे वाज डिफरेंट. आई हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू दीज 3 लवली जजेस. एंड ये जो बच्चे हैं, इनको देख के मैं खुद बच्चा हो गया. मुझे लगा मैं कुछ भी उठपटांग कर रहा था, पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ. एंड आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, हमारे फिल्म में एक डायलॉग है दैट अगर आप म्यूज़िक फील कर सकते हैं देन एनीबॉडी कैन डांस. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि आज जो मतलब हम लोग जहाँ बैठे थे, जब भी ये लोग गाते थे तो पूरा वातावरण चेंज हो जाता था. कभी लग रहा है कि बारिश हो रहा है, कभी लगता है कि हवा तेज़ हो गई, कभी लग रहा है कि हम लोग राजस्थान ट्रांसपोर्ट हो गए जब मोती गा रहा था. सो आई थिंक मोती आ जाओ, दैट्स मोती बाय द वे, इज मेड इट टू द फाइनल 12. आ जाओ पीछे आ जाओ. एंड जस्ट आई थिंक ये जो लोग, ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक्चुअली हम सबके बाप है. बहुत मज़ा है इन लोगों के साथ. बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं. मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे गाने का शौक़ है. जब मैं अपने बाथरूम में गाती थी जब छोटी थी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और खुद ही खुद में डाउट था. और मन में जो है वो डाउट खुद भर जाता है, यू नो ये हम में ही है. तो धीरे धीरे अभी रियलाइज़ किया कि मुझे भी गाना अच्छा लगता है. तो इन लोगों ने अभी रियलाइज किया और ये इतने कॉन्फिडेंटली आके गाते हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग. और देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स एक्चुअली, क्योंकि ये फिल्म जो है वो बिल्कुल इंडिया से, मुंबई से जुड़ी हुई है. एक हम लोग इंडिया की पहली डांस टीम बनाते हैं. सो वी आर प्लानिंग टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन आर कंट्री, रीच आउट टू दोज किड्स या दोज पीपल जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में इंडिया के लिए, अपने कला को लेके. हम लोग उनको भी जाके वी वांट टू रीच देम, ट्राई एंड टॉक टू देम, उनसे बात करना चाहते हैं कि हम लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन प्लान्स. जो ग्रुप है हमारी, फिक्टिशियस ग्रुप जिसपे पिक्चर आधारित है, वी मेट देम. हम लोग नालासोपारा वसई ऑलरेडी जा चुके, उधर एक कॉन्सर्ट हुआ था बहुत बड़ा. वी टेकन पार्ट ओवर देयर, वी मेट ऑल द पीपल ओवर देयर. आई थिंक ये पिक्चर के साथ हम लोग ज़्यादा, आई नो बहुत कमर्शियल पिक्चर है एंड वो टैग लग जाएगा कितना पैसा बनाया, बट दिस फिल्म हैज़ नॉट बीन मेड बाई रेमोसा फॉर दैट रीज़न. वो जेन्यूनली चाहते हैं कि जब कोई भी ये पिक्चर देखे, दे से एनीबडी कैन डांस. और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये पिक्चर में, विच इज़ बाय रेमो सर एंड प्रभु सर, कि व्हेन यू डांस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. एंड होपफुली वो आ जाएगा लोगों को.